नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद सुधीर स्वागत जनाऊँ मोर आज स्वतंत्र उपस्थापना को प्रिय कुंभ राशि व्यक्ति विशेष आसतु लगे एपरी तिलक जहाँ आम जीवन रे चमत्कार आनीदेव आमर दुर्भाग्य दूर हो आम सौभाग्य प्राप्ति हो पार आम भाग्यशाली हो पार समस्त इच्छा आम पूर्ण हो पार आम सर्वजनादृत हो पार आमर ग्रह शांति हेबो एवं विशेष करी ईश्वरंकर कृपा आम उपर बर्षिब राशि अनुसार आम लगे तिलक राशि अनुसार आम प्रस्तुत करवा तिलक जो तिलक को आम धारण करवा जहाद्वारा आम अशेष अशेष उपकार पाई भाग्य रे जो विड़म्बना रही दूर हेबो एवं यार जबरदस्त उपकारिता को आम अनुभव करवा प्रिय कुंभ राशि व्यक्ति विशेष आमर साधारणत हिंदू सनातन धर्म रे तिलक लगेबार विधि व्यवस्था क्यों आवहमान काल रही आसी विशेषकर पूजा पाठ कर्म अनुष्ठान मानक आम मथार आमर तिलक ब्राह्मण माने पुरोहित माने पंडित माने आमर मथारे तिलक लगे ये वृद्धांगुष्ठी तिलक लगे दिखती वृद्धांगुष्ठी पर्वटी हूँ शुक्र ग्रहंकर पर्वत ज्योतिष पृष्ठभूमि एवं आध्यात्मिक पृष्ठभूमि जब आम चिंता करवा शुक्र ग्रहंकर आराध्या देवी हूँ माँ लक्ष्मी तेणु लक्ष्मी कृपा पाइबापी जश वैभव मान सम्मान धन सम्पत्ति पाइबापी आमर मथारे वृद्धांगुष्ठी तिलक आमको लगे दि जाए आम निजे आमर दक्षिण हस्तर अनामिका अंगुठी तिलक आम मथारे लगे था अनामिका अंगुठी हूँ सूर्यग्रहण प्रतीक तेणु सूर्यग्रह को अनुकूल अवस्था को आने तेज प्रताप पराक्रम आम वृद्धि पाइबापी सर्वजनादृत होगापी आम अनामिका अंगुठी व्यवहार करक मथार लगे था तेरे एटी आपण मान मनरे आग्रह बढ़ी जा जानापी जे आम राशि अनुसार कौन से ही चमत्कारी तिलक रही आम व्यवहार कले आमर एत सब उपकार हम प्रिय कुंभ राशि व्यक्ति विशेष आपण जानते आमर वैज्ञानिक पृष्ठभूमि जदि आम विचार को नवा ये तिलक धारण करवा कथा ताहले आमर भ्रूलतार मध्य भाग जो तिलक धारण करूँ कंठपद्म आम धारण करूँ नाभिचक्रे आम धारण करूँ तेणु भ्रूलतार मध्य भाग जदि तिलक धारण करवा ताहले मुंड व्यथा रोग दूर होता है चक्षु रोग आम दूर हुए भ्रूलतार मध्य भाग तिलक धारण कले तिलक धारण कले नासा गला कर्ण आदि रोग दूर होता है मन भितर नकारात्मक भावना आम दूर हो सात्विक भावना आसी थाए मानसिक चिड़चिड़ापण मानसिक अवसाद दूर होता है राति जदि भल निद होना आमको भल निद कितु रात्र शोवा पूर्व तिलक को धोईदे दरकार तेज दर्शक बंधु आसतु आ समय डेरी नक जाणी जे कौन से तिलक रही जो तिलक आमको चमत्कृत करी पारे आमर समस्त दुर्भाग्य को दूर करी आमको अखंड सौभाग्य प्रदान करी पारे राशि अनुसार मुंक दुई प्रकार तिलक कथा आज कह जेकोसी शनिवार आपण राशियाधिपति ग्रह होते शनि तेणु आपोसी शनिवार दिन हनुमान मंदिर को जातु एवं गोटे पकेट धूपकाठी आपण हनुमान को सम्मुखें गोटे पकेट धूपकाठी प्रज्वलित कर दिंतु गोटे कजुलर डब्बा आखिरे जो कजुल धारण करती से कजुल डब्बाटे आपण हनुमान को स्पर्श कराई आणतु ये धूपकाठी आपण हनुमान को सम्मुखें जलईबे यार भस्म को आपण आणतु कजुल डब्बाटी आपण
हनुमान को स्पर्श करई आणंतु एवं एहाको आपण पूजा घरे रखंतु। प्रत्येक दिन स्नान परे आपण टिके गुलाब जल आणंतु। ये गुलाब जल रे से भस्म रु सामान्य टिके भस्म आपण मिसई दियंतु गंगा जल रे एवं कजळ टिके आपण गंगा जल रे मिसई दियंतु एवं से भस्म को आपण तिलक भोली मथारे आपण धारण करंतु। एवं धारण कला बळे आपण प्रभु हनुमान को मन भितर प्रार्थना करंतु। ओम मनोजवम मारुत तुल्य बेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम बातात्मजम बानर जुथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये। यही आपण हनुमान को स्मरण कर मथारे उत्तराभिमुख हो दक्षिण हस्तर अनामिका अंगुठी आपण विजय तिलक को धारण करंतु। जदि आपण दृश्यमान होउथिबा तिलक धारण करिया पई कुंठाबोध करुचंती ताहले आपण अदृश्य तिलक मध्य धारण करि परिबे। आपण शुद्ध गंगा जल रे एई भस्म टिके कजुळ टिके मिसै दियंतु एवं ई जल को आपण मथार धारण करंतु। ई जल को आपण मथार धारण कले आपणकर आउ दृश्यमान होबो नाही। तिलक आपण धारण करिसेंती बेली केही आपणकु कहिबे नाही, किंतु आपण ई अदृश्य तिलकर चमत्कारिता को मध्य अनुभव करिपरिबे। तेणु सर्त एठी दर्शक बंधु जे यही उपाय टुकु यही प्रक्रिया को आपण को लगातार 40 दिन करबा को पड़िबो। 40 दिन परे आपण अनुभव करिबे ता भाग्य तो केबे बदला जाई पारे ना। तेबे हाँ 40 दिन जदि आपण यही तिलक को व्यवहार करंती आपण बाध्य होई मोर कमेंट सेक्शन ने लिखिबा पई आपण बाध्य हे जे हाँ प्राचीन कालर ये विलुप्त हो बसी ज्योतिष शास्त्र जो दुर्लभ उपाय यार चमत्कारी प्रभाव निश्चित भाव अच्छी यहाँ आम अनुभव करुचु एवं यार उपकारिता को आम जानु। तेबे मु जानी मोर श्रम सार्थक है। तेबे दर्शक बंधु आज तो समय ही जाइए पुणी आम ज्योतिष वास्तु एवं धर्म विषय को विभिन्न प्रकार उपादेय तथ्य को नहीं आसवा आलोचना जारी रखा से पर्यंत मु विदाय नौ ज्योतिर्विद सुधीर। जय जगन्नाथ।